इजहार के लिए शाहरुख खान को मनाने में जुटे हैं संजय लीला भंसाली, रोमांटिक फिल्म में दिखेंगे किंग्स ऑफ रोमांस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉली क्विक न्यूज। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी इस फिल्म को यशराज बैनर प्रोड्यूस कर रहा है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें फिल्म स्टार धासु एक्शन सीन्स करते हुए दिखने वाले हैं। इन फिल्म में शाहरुख खान के साथ फिल्म स्टार जॉन इब्राहिम भी नजर आने वाले हैं, जबकि दीपिका पादुकोण लीड एक्ट्रेस हैं। इस बीच किंग ऑफ शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म को लेकर रिपोर्टर्स सामने आने लगी है। खबरों की माने तो पद्मावत निर्देशक संजय लीला भंसाली फिल्म स्टार शाहरुख खान के साथ अपनी अगली रोमांटिक फिल्म प्लान कर रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन फिल्म का नाम इजहार रखा गया है। निर्देशक संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को स्क्रिप्ट शाहरुख खान को ही दिमाग में लेकर तैयार की है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक भारतीय युवक ने नॉर्वे में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए इंडिया टू नॉर्वे साइकिल पर ही सफ़र किया था। निर्देशक संजय लीला भंसाली इस फिल्म पर 4 साल पहले से काम कर रहे हैं। रिपोर्टर की माने तो करीबी सूत्र ने कहा, इजहार फिल्म को निर्देशक संजय लीला भंसाली शाहरुख खान के साथ ही बनाना चाहते हैं। ये एक लव स्टोरी है जो एक भारतीय शख्स और नॉर्वे की लड़की की कहानी पर आधारित है। ये एक सच्ची घटना है जिसमें लड़के ने अपने प्यार के लिए नॉर्वे तक की यात्रा साइकिल से तय की थी। संजय लीला भंसाली इस कहानी पर दोबारा से काम करना चाहते हैं। शाहरुख खान के हिसाब से अब देखना है कि शाहरुख खान ऐसे हरी झंडी देंगे या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली के फैंस के लिए ये एक बड़ी खबर होने वाली है। इससे पहले शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली फिल्म देवदास से दर्शकों का दिल जीतते आ रहे हैं। इसके बाद इन दिनों ने दोबारा साथ काम करने की कई दफ़ा कोशिश की, मगर हर बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब अगर ये दोनों दोबारा साथ आते हैं तो ये दर्शकों के लिए विजुअल ट्रीट के कम नहीं होगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।